सरकाघाट के लोअर बाजार में देर रात शनिवार को अचानक एक बर्तन भंडार में लग जाने से यह जलकर राख हो गया है। मालिक को लाखों रुपए का नुकसान होने का अनुमान है। गनीमत रही कि अंदर और बाहर कोई भी नहीं था, नहीं तो भयंकर आग से झुलस जाता। जानकारी के मुताबिक देर रात 9:30 बजे के करीब जब शर्मा बर्तन भंडार के अंदर से बाहर की तरफ आग की लपटें निकल रही थी तो पुलिस के गश्ती दल ने देखा और शोर मचाया तथा फायर ब्रिगेड को भी फोन पर घटना की सूचना दी। दुकान के सामान को जलते देखकर आसपास के सभी लोग वहां इकट्ठे हो गए और आग बुझाने का प्रयास शुरू हुआ। तुरंत फायर ब्रिगेड की गाड़ी भी पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया, मगर तब तक सब कुछ राख हो चुका था। शर्मा बर्तन भंडार के मालिक का नाम कमलेश कुमार पुत्र रोशनलाल निवासी सिद्धोट है। उधर आग के लगने का कारण शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। कमलेश के मुताबिक आग से उसे करीब 5 लाख रुपए का नुकसान हुआ है और उसका रोजगार का साधन खत्म हो गया है। उसने बताया कि दुकान में रखे कीमती बर्तन जो कि कई महंगी धातुओं के बने थे सब राख हो गए हैं। उधर घटना की पुष्टि डीएसपी चंद्रपाल ने की है। उन्होंने कहा कि घटना के कारणों का पता लगाया जा रहा है। मंडी से रूपलाल काउंडल की रिपोर्ट।